नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण के कहर के कारण लगभग दो सालों से सभी विद्यालय बंद था। कुछ दिन पहले वर्ग छठे से लेकर ऊपर की क्लास के सरकार ने विद्यालय खोलने का आदेश दिया था, लेकिन 720 दिन के बाद वर्ग पहले से लेकर पांचवें तक के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय खोले गए। लगभग दो साल के बाद स्कूल खुलने पर चंद्रपुरा प्रखंड के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तेलू के भैया बहनों का स्वागत भव्यता के साथ किया गया। इसमें मुख्य रूप से भैया बहनों के लिए पूरे विद्यालय परिसर को सजाया गया। मुख्य द्वार पर विद्यालय के प्रधान आचार्य रमेश कुमार, उपाध्याय सचिव संतोष कुमार के द्वारा भाई बहनों की आरती उतारी गई। विद्यालय की आचार्य श्रीमती नीलम कुमारी ने भाई बहनों के माथे पर तिलक लगाकर स्नेह के साथ उनका स्वागत किया। साथ ही मुख्य द्वार पर विद्यालय के आचार्य दीपांजलि कुमारी, श्वेता कुमारी ने भाई बहनों पर फूल की बारिश की, साथ ही चॉकलेट का वितरण भी किया गया। भाई बहनों का स्वागत हमारे विद्यालय के घोष दल के द्वारा किया गया, जिनकी अगवानी विद्यालय के आचार्य इंद्रजीत कुमार कर रहे थे। विद्यालय खुलने से सभी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि दो साल बच्चे विद्यालय से ज़रूर दूर थे, लेकिन उनकी पढ़ाई का समुचित व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से की जा रही थी। कई जगहों पर हम लोगों ने बच्चों की सुविधा के लिए मोहल्ला कक्षा भी चलाई, बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया था ताकि बच्चे पढ़ाई से दूर ना हो। अब विद्यालय खुल गए हैं, पढ़ाई के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, आज कोरोना के बाद लगभग दो साल बाद स्कूल खुली है, तो आप क्या कहना चाहते थे? लगभग पूरे दो वर्षों के बाद शिशु मंदिर के भगवान हमारे शिशु हमारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे भैया को बहनों को विद्यालय आने का अवसर मिला। हम सभी आचार्य बंधु भगनी पूरा समाज पूरी समिति अत्यंत ही आह्लादित है और हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि उनको हम ऐसी शिक्षा दें जो उनका पीछे छूट गया है, हम लोग उसको भी पूरा करें। ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोरोना काल में हमने बहुत कुछ खोया। हमारे देश के चूँकि भविष्य हैं, भविष्य का देश के निर्माता वही होंगे, कल उन्हीं के ऊपर देश की जिम्मेवारी पड़ने वाली है, इसलिए हम लोग उनको ऐसा सींचें ये संकल्प के साथ कि हमारे देश को एक मजबूत कंधा मिले। सर, दो साल बच्चे पढ़ाई से लगभग पूरी तरह से कट गए थे, उनका सब्जेक्ट भी बहुत सारा छूटा है, तो आप लोग किस तरह से उसको कवर कीजिएगा, कैसे पूरी ऐसे छूटा नहीं है? हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भरपूर कोशिश की है और अधिकतर हमारे भैया बहन उसमें जुड़े, और जो कमी बेसी हुई है निश्चित रूप से हम लोग उसको अतिरिक्त समय दे करके और अतिरिक्त मेहनत करके उसको पूरा करेंगे। सर, छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन में क्या पढ़ाई कर सकते हो, तो विद्यालय ने उनको बहुत ही उपयोगी और रोचक वीडियो बना करके लगातार प्रेषित किया है, सभी अभिभावकों से लगातार बात किया है, मोहल्ला पाठशाला हमारा हमेशा चलते रहा है। विषम परिस्थिति में कुछ दिनों तक के लिए जरूर बंद हुआ, लेकिन अधिकतर समय हमारा मोहल्ला पाठशाला, उनका वीडियो और जो क्वालिटी वीडियो होता है उस तरह का वीडियो हम लोगों ने बना करके उनको प्रेषित किया है, अभिभावकों से लगातार संपर्क किया है, घर घर जा करके हम लोग उनसे मिलते रहे हैं, उनका काम करते रहे हैं, उनके कॉपी किताब हमेशा उस पर चर्चा की है। निश्चित रूप से भरोसा है कि शिशु मंदिर कभी इस अवसर को भी वो बेकार नहीं होने दिया, कोरोना को भी एक अवसर के रूप में लिया। आज जितना डिजिटली हम लोग एडवांस हो गए हैं, आज अपने विद्यालय में ATL लग गया, अटल टिंकरिंग लैब, इससे हमारे बच्चे नया नया इनोवेशन सीखेंगे, ये बड़ी बात है।